उत्तर प्रदेश के जल शक्ति संसाधन मंत्री ने शुक्रवार को गोरखपुर मंडल में बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके संबंध में जल शक्ति संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं है, पूरा प्रदेश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पहले आया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बारिश भी अधिक हुई है, उसके बावजूद भी सभी बंधे सुरक्षित हैं और गोरखपुर मंडल में कहीं भी कोई बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया है। जहां पशुपालन विभाग पशुओं के टीकाकरण कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी जो पखवाड़ा चल रहा है और अन्य टीके भी लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी को किसी तरह की बीमारी ना हो। और हमारी नदियाँ नेपाल से पानी आने के बाद रोहिणी, राप्ती, नारायणी, घाघरा, रोहिणी का जलस्तर जिस तरह से इस 15 दिनों के अंदर बढ़ा है, उसके बाद भी हमारी सभी नदियां सुरक्षित हैं और आने वाली बरसात को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए और उसकी मॉनिटरिंग किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में भी बाढ़ की किसी तरह की समस्या ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के जल शक्ति संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं गोरखपुर मंडल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अपने कामों का और सभी एरिया के निरीक्षण करने के दृष्टि से निकला हूं और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अभी सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया देखते हुए आपके गोरखपुर में पहुंचा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं बाढ़ की सुरक्षा के दृष्टि से, इतने ऐतिहासिक थे, इतने अच्छे काम हुए हैं जिसके कारण से मेरा पूरा गोरखपुर मंडल और पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। मैं कह सकता हूं कि आज 17 तारीख है और पिछले साल 17 तारीख तक 210 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और इस बार मानसून पहले आया और 800 मिलीमीटर वर्षा अभी तक हो चुकी है। पिछली बार जो गंडक का डिस्चार्ज था वो 2,40,000 क्यूसिक मीटर था, अब की बार अभी तक गंडक का डिस्चार्ज जो है वो 3,35,000 क्यूसिक मीटर हो चुका है। उसके बावजूद भी सभी बंधे सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई बाढ़ का हमारे कुशीनगर में, महाराजगंज में, गोरखपुर और देवरिया में कहीं कोई बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे सभी विभागों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है, टीकाकरण हो रहा है। जहाँ एक तरफ पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण कर रहा है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग संचारी रोग जो पखवाड़ा चल रहा है और किसी भी प्रकार का किसी को रोग ना हो, इसके लिए भी टीकाकरण हो रहा है। NDRF की टीम लगी है, SDRF की टीम लगी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट राहत के दृष्टि से लगा हुआ है। अभी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है और प्रभु से प्रार्थना है कि आवश्यकता ना पड़े। राप्ती में भी डिस्चार्ज, घाघरा का डिस्चार्ज और गो गंडक का, नारायणी का डिस्चार्ज, रोहन का डिस्चार्ज और सभी नदियों का डिस्चार्ज जिस तरीके से इस 15 दिन के अंदर बढ़ा नेपाल से पानी आने के बाद भी,
लेकिन सब पूरा एरिया हमारा सुरक्षित है। आज मैं इन सब जिलों के भ्रमण करते हुए आ रहा हूं। जो लोग पानी पर राजनीति करते थे, हमारे अभी मैं अमवा खास तटबंध पर गया था और अमवा खास तटबंध आप सब लोग जानते हैं कि बरसों से उस पर राजनीति होती रही और एक तथाकथित जो कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ के हैं उसी अमवा खास तटबंध पर केवल ठेकेदारी और पट्टेदारी के लेकर के जो वहाँ पर राजनीति करते थे, आज उनको पूरी तरीके से पता चल गया है। वीडियो कैमरा लगा करके पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी की सरकार ने बाकायदे जनता जनार्दन के लिए भी हम कैमरा लगा करके काम करा रहे हैं और उस काम को देखने के बाद वहाँ की जनता इतनी प्रसन्न थी। अभी मैं नारायणी का पूजन भी किया हूँ, वहीं से मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। पूरा काम ऐतिहासिक हुआ है, हम सब लोग लगे हैं, पूरा विभाग अलर्ट है, सभी विभाग डिपार्टमेंट मिल करके काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी जो वर्षा ऋतु भी बाकी है उसमें भी बाढ़ से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग बचाएंगे, कहीं कोई संकट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि सभी इंपॉर्टेंट बंधों पर कैमरे लगाए जाएं, सब जगहों पर कैंप स्थापित किए जाएं, रात में वहां पर अधिकारी रहें, सब जगहों पर जनरेटर लगाया जाए और अभी से ही हाइलोजन की व्यवस्था रहे, इमरजेंसी लाइट रहे, टार्च रहे, अगर कभी कोई समस्या आती है तो उस पर हम लोग तत्परता के साथ काम कर सकें। मैं आपको बताते हुए कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हुआ समय से काम हम लोग शुरू नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3-4 महीने में काम होना था उस काम को 1 से 1.5 महीने के अंदर रात और दिन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक काम पहली बार बाढ़ में हम लोगों ने किया है। कहा है कि अपना काम भी करेंगे और माँ की पूजा भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को बचाएंगे।